Hey guys, welcome back again. नमस्कार guys, कैसे आप सब? मेरा नाम कार्तिक त्यागी, आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल Daily Dose Reaction guys. तो guys काफी ज्यादा मैं जो है लेट हो चुका हूँ वीडियो को लाने में. लीडर आर्मी बांग्लादेश जो है उस मूवी के ट्रेलर को लेके, लीडर आर्मी बांग्लादेश साकिब खान की मूवी जो है उसके ट्रेलर को लेके, उसके सॉन्ग को लेके काफी ज्यादा भाइयों की सजेशन भी थी. मूवी भी आई थी, मुझे लगता है रिलीज हो चुकी है, क्योंकि ये मूवी रिलीज होने वाली थी लीडर आर्मी बांग्लादेश आई थिंक 22 के अराउंड आई थिंक ईद पर मूवी जो है रिलीज होने वाली थी. ईद उल फितर उस पर लिखा हुआ था आई थिंक रिलीज डेट जो थी, मुझे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक ईद पर ही शायद रिलीज होने वाली थी. तो सजेशन भी आया था काफ़ी भाइयों का. लास्ट टाइम जो है गाइस मैं जो है 21 को चंगेज मूवी जो है जीदा सर की जो मूवी जब रिलीज हुई थी, तो मैं फर्स्ट डे का जो फर्स्ट जो है मूवी का मैं देख के जो है मैं थोड़ा बाहर चला गया था, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ घूमने चला गया था. तो उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जो है भाइयों की सजेशन तो थी, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं कर पा था, वीडियो देख नहीं पा रहा था, वीडियो ला नहीं पा रहा था गाइस. तो अभी जो है फाइनली मैं आज थोड़ा फ्री हुआ हूँ, आज जो है फाइनली मैं मतलब वापस आया हूँ. तो आज जो है हम देखने वाले हैं मूवी का सॉन्ग है लीडर आर्मी बांग्लादेश, मूवी का सॉन्ग भी है और उसके बाद उसके सॉन्ग के अलावा ट्रेलर भी है, दोनों की सजेशन थी. अभी सॉन्ग जो है ये कल परसों आया है शायद, बारूद सॉन्ग का नाम है और सिंगर है गाइस, सॉन्ग के सिंगर हैं सजल. तो देखते हैं गाइस, साकिब खान मेरे फेवरेट एक्टर, उनके साथ की जोड़ी जो है मतलब फीमेल एक्टर जो लगती है मुझे बबली जो इस मूवी में है लीडर आर्मी बांग्लादेश में. तो देखते हैं गाइस, काफ़ी जो है हैंडसम एक्टर हैं साकिब खान बांग्ला इंडस्ट्रीज़ के. तो उसके अलावा जो है जीदा सर हैं, उनकी जोड़ी मुझे अच्छी लगी है कोयल मलिक के साथ. उनके मैंने काफ़ी वीडियो जब मैं करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कोयल मलिक मुझे काफ़ी अच्छी लगती है उनके साथ में. और उसके अलावा जो है साकिब खान के साथ जब मैंने देखा है तो मुझे जो है बबली पसंद आई है. अब हो सकता है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से जो है फर्स्ट जो है मैंने सॉन्ग पर रिएक्शन किया या फिर जिस एक्टर को मैंने देखा है बांग्ला इंडस्ट्री या बेंगोली इंडस्ट्रीज में, तो मैंने साकिब खान या फिर जीदा को देखा है. तो इस वजह से लगता है कि मुझे उनकी जोड़ी बबली की और जो है कोयल मलिक की, इसलिए मुझे शायद पसंद आती है. तो आपकी अलग अलग राय हो सकती है, आपको कोई और एक्टर पसंद आती होंगी. तो गाइस अभी जो है हम पहले सॉन्ग सुनने वाले हैं, बारूद जो है सॉन्ग का नाम है, और उसके बाद जो है इसके ट्रेलर पर हम रिएक्ट करेंगे. तो पहले हम सॉन्ग सुन लेते हैं गाइस, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे. तो लास्ट ऑफ द वीडियो गाइस, चैनल पर नए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को करते स्टार्ट. लेट्स प्ले. ओरिजिनल वीडियो लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. बारूद लास्ट सॉन्ग पर रिएक्शन किया था सुरमा सुरमा और वो था जी काफी तगड़ा सॉन्ग था. बारूद अंधकारे वही जो है ना सिंगर की, वो काफी डरावनी है बारूद. लीडर लीडर बांग्ला इंडस्ट्रीज का ना एक ही लीडर है, वो है साकिब खान. साकिब खान किंग खान साकिब खान. एक्शन भी मतलब इसे फाइटिंग वगैरह भी दिखाई है इसमें, मतलब सॉन्ग में दिखाई है ज्यादा, उसमें टीजर में नहीं दिखाई थी उस टाइम पे. Leader,
अभी भी मेरे मन में वो चल रहा है कोथाचे कोथाचे। थोड़ा ठीक लगती है, बाकी सॉन्ग में ना पूरी स्टोरी चल रही है। ओके गाइस, बारो सॉन्ग जो है साकिब खान की मूवी लीडर आर्मी बांग्लादेश का, ये हो गया एंड यार। और इस सॉन्ग में यार मुझे जो अच्छा लगा है वो अच्छा लगा है मुझे सिंगर की आवाज़, एक तरह से ना टाइटल ट्रैक हो सकता है, टाइटल सॉन्ग हो सकता है मूवी का, जिसमें मुझे जो अच्छी लगी है लाइन इसमें भारी भारी आवाज़ है सिंगर की, लीडर लीडर जिस तरह से बोल रहे हैं, मौने ना कभी हार लीडर लीडर, माने ना कभी हार लीडर लीडर, हालांकि बार बार ये रिपीट हो रहा है। बारूद जो है, बारूद तो स्टार्टिंग में एक छोटे सा थोड़ा एक लाइन थी, लेकिन सॉन्ग का जो मेन जो है वो लीडर आर्मी बांग्लादेश मूवी का नाम है, तो लीडर लीडर उस पर जो इससे दिखाया है, माने ना कभी हार लीडर लीडर, तो ये मुझे जो है ये लाइन अच्छी लगी है भारी आवाज़ में, हालांकि मैं जिस तरह बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो साकिब खान की मूवी, इसमें मुझे लगता है कि साकिब खान की मूवी के अभी 3 सॉन्ग आ चुके हैं ना, सुरमा सुरमा, कोथाचे, पहले आया कोथाचे, उसके बाद आया लीडर सुरमा सुरमा, उसके बाद आया बारूद, तो ये 3 सॉन्ग आ चुके हैं, जिसमें कि एक रोमांटिक सॉन्ग था, एक रैप, एक सॉन्ग में रैप था जो कोथाचे वो काफ़ी ख़तरनाक सॉन्ग मुझे लगा है भाई इस मूवी का। ये ठीक है नॉर्मल था, लेकिन इसमें जो है एक तरह से फाइटिंग थोड़ा एक्शन सीन दिखाए हैं, मूवी से रिलेटेड कुछ सीन दिखाए हैं, जिसमें वो काफ़ी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनसे वो मारते हुए इस तरह का कुछ दिखाया है, ठीक है। मूवी तो मैंने देखी, मूवी की स्टोरी जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो इतना मैं बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसी उन्हीं जो है विलन टाइप एक तरह से कह सकते हैं, विलन को मार रहे हैं इसमें वीडियोस में जो सॉन्ग में ना, तो वो दिखाया इसमें टाइटल ट्रैक जिसको आप कह सकते हैं। तो गाइस ये जो है सॉन्ग था, इसकी लिरिक्स काफ़ी ठीक लगी मुझे, और बस सिंगर की जो है मुझे आवाज़ जो है इस तरह से जिसे बोल लेते ना, माने ना कभी हार लीडर लीडर, वो मुझे काफ़ी जो है ठीक लगी। तो गाइस अभी जो है इसके ट्रेलर को देख के, गाइस अभी ट्रेलर पर भी मुझे रिएक्ट करना है, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि मूवी गाइस रिलीज होनी थी ईद पर ही, जो है 22 को या 21 को आई थिंक रिलीज होनी थी मूवी, तो इधर मुझे कंफर्म नहीं है, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने यही शायद पढ़ा था लीडर आर्मी बांग्लादेश जो मूवी है ये ईद पर ही रिलीज होनी थी। तो गाइस अभी जो है ये रिलीज होनी थी, ये रिलीज है ईद उल फितर, हाँ ईद उल फितर पर गाइस रिलीज होनी थी मूवी आई थिंक 22 के अराउंड। तो गाइस ये मूवी रिलीज हो चुकी है, और हमारे भाइयों की जिस तरह से सजेशन थी 21-22 के बाद मुझे सजेशन आई थी ट्रेलर को लेके, उसके बाद सॉन्ग को लेके, लेकिन रिएक्ट नहीं कर चुका था, लेकिन अभी गाइस जो है वीडियो सॉन्ग सुना उसके बाद जो है ट्रेलर जो है गाइस उस पर रिएक्ट करूंगा, उसके बाद जो है अगर आप ये सॉन्ग सुन चुके हैं तो उसके बाद गाइस थोड़ी देर के बाद जो है आज या कल गाइस जो है ट्रेलर का रिएक्शन भी वीडियो आ जाएगा, वैसे मैं कोशिश करूंगा आज ही वीडियो आए। तो गाइस चैनल पर नए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करना, और लीडर आर्मी बांग्लादेश में जो है साकिब खान, जो है साकिब खान बांग्लादेशी एक्टर मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, इनकी एक रोमांटिक जो है रोमांटिक मूवी है वो भी काफ़ी अच्छे एक्टिंग है इनकी, मतलब रोमांटिक भी रोमांस, मतलब जिस तरह बोलूँ तो रोमांस जो है ना वो भी काफ़ी अच्छे से इनका देखा है मैंने, एक जो है इनका रोमांटिक सीन, और उसके अलावा जो है एक्शन सीन वो भी काफ़ी अच्छे, मतलब दोनों में काफ़ी एक तरह से क्या बोले शाहरुख खान सलमान खान दोनों का कॉम्बो बोल सकते हैं ना इस तरह से, है ना, जैसे अपना जीत दा है बांग्ला में है साकिब खान, और बंगाली हमारे यहाँ उसमें है जीत दा, जिसमें जीत दा जो है वो रोमांटिक सीन भी अच्छे करते हैं, और जो साथ ही साथ एक्शन मूवी हो वो भी अच्छी करते हैं, जैसा कि चंगेज मूवी उनकी आई थी अभी जो मैंने फर्स्ट डे जो है उनका फर्स्ट शो देखा था। तो अभी जो है साकिब खान की मूवी जो है लीडर आर्मी बांग्लादेश ये शायद रिलीज हो चुकी है, और आपकी आपने गाइस जो भी मूवी देख चुके हैं भाई आप बताना कि मूवी कैसी लगी, और मुझे पता है मूवी जो है एक तरह पॉलिटिक्स रिलेटेड है, और थोड़ी मतलब इसमें थोड़ा रोमांटिक इतना वो नहीं है, तो शायद और भी ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छी होगी ये मूवी। तो अपनी जो है कमेंट से हमें राय जरूर देना मूवी को लेके कैसी लगी, कैसा रहा मतलब अपना, ठीक है। तो और मूवी को देख के ही पता चलता है, ऐसा ऐसे बता नहीं सकते कि मतलब क्या है, बस अपनी राय आप दे देना कि किस तरह की है। तो इसके अलावा गाइस साकिब खान की मैंने मूवी काफ़ी देखी है, भोजगिरी मूवी देखी है, भोजगिरी के अलावा गाइस उनकी मूवी पासवर्ड मूवी देखी है, तो जो मैंने काफ़ी मुझे उनकी ना पासवर्ड मूवी हो भोजगिरी हो उनमें मतलब उनकी मुझे एक रोमांटिक जो मैं बता रहा हूँ ना कि उनकी रोमांटिक सीन मैंने देखी है एक्शन सीन तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, और वैसे भी हैंडसम एक्टर है साकिब खान। तो गाइस इसके अलावा गाइस और भी सजेशन हो वीडियो को लेकर तो गाइस कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करना, और नेक्स्ट जो है वीडियो आ जाएगी ट्रेलर मूवी का ट्रेलर लीडर आर्मी बांग्लादेश का। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो लाइक करें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहें, मेरे साथ देखते हैं डेली डोज रिएक्शन, बाय बाय गाइस।